ये जो स्केचबुक है ये काफ़ी ऐसा मिसलेनियस जैसा है। इसमें मैंने स्टार्ट किया था, एक कोर्स से स्टार्ट किया था, बट फिर इसका जो फॉर्म लाइक ये जो लुक है ये बुक का और इसका जो फॉर्मेट है वो मेरे को जम नहीं रहा था नोट्स लेने के लिए, और लाइक प्रॉपरली स्केच नहीं कर पा रहा था इस पर, बड़े बड़े ड्राइंग्स और रफ ड्राइंग्स इस पर अच्छे से नहीं हो पाते थे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्लासेस का नोट्स लिए, बट फिर मैंने इसको स्विच कर दिया कि इसमें इसको मैं ओपन टू एनीथिंग रखूँगा, कुछ भी मेरे को मन कर रहा रहेगा इसमें बना सकता हूँ, और कुछ मैं कोलैब वगैरह कर रहा हूँ तो उसके इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, इसके अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो उसका कैसे प्लानिंग करना है वो लिखता हूँ। तो अभी मैंने उसको ऐसा ऐसा बना दिया एकदम, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी बना था। और फिर इसकी मदद से मेरे को पता चलेगा और भी नए कैटेगरीज मुझे पता चलेंगे कि अच्छा इसको कोई चीज़ है, जैसे कि यूट्यूब वाला है तो उसको मैं एक उसका एक इंडिपेंडेंट स्केचबुक ले सकता हूँ ऐसा टाइप का, तो इसको अभी इसलिए रखा हुआ। कोलोसो का एक और कोर्स है, वो जे जे स्टोन हाउस का कोर्स है ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर, तो उसमें इसके सारे नोट्स हैं इसमें। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप वाला, लाइक बिगिनर कोर्स भी बोल सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है हर एक नॉमनक्लेचर हर एक चीज़ का, वो इन्फॉर्मेशन ऐसे लगते हैं कि क्या ही करेंगे हम तो, लाइक आर्ट में ये सब इन्फॉर्मेशन का क्या ही ज़रूरत है, बट ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो लाइक बहुत कुछ फ़ायदा होता है आगे उसमें, लाइक तुमको बहुत ज़्यादा कुछ बिना जाने हम लोग बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करते रहते हैं, जैसे कि सपोज़ ये एनिमे वाला आई ऐसा क्यों होता है, फिर आँख को सिंप्लीफाइड करके ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो ये जब रियलिज्म वाली चीज़ें पता रहेंगी और उसमें से ये सारी चीज़ें जब डिराइव होती है तो हम ऐसे और भी ऑप्शन हमारे पास रहते हैं जब ओरिजिनल चीज़ें पता रहेंगे तो। और फिर इसमें सिर्फ ये नहीं है कि लाइक चीज़ें कैसे दिखती हैं, उसके रीजनिंग भी दिए रहते हैं कि कार्निवोर एनिमल के आंखें बाजू में क्यों होती है, और ये जो बचपन में ये सब पढ़ा है वही सारे रीजनिंग है, लाइक कि उसको ड्राइंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन फेसेस में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर नोज के फंक्शंस वगैरह, लाइक अलग कंट्रीज़ में अलग टाइप के नोज होते हैं और वो क्यों होते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग शेप्स होते हैं, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जॉ लाइन नीचे ड्रॉप होता जाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो लाइक पता होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से, और ये सारी चीज़ों के फंक्शनैलिटीज भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो एज वाइज जॉ नीचे आता रहता है और जॉ नीचे आने की वजह से भी वो फिर नोज़ भी ड्रॉप हो जाता है नीचे, और फिर मेल फीमेल में किस तरह के डिफरेंस होते हैं स्कल में, वो सारी चीज़ें भी हैं, बहुत कुछ है कोर्स में। अभी बहुत ही लिमिटेड क्लासेस किया मैंने इसके, अभी और भी आगे पूरा स्केचबुक खाली है, तो नेक्स्ट मंथ इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने कैटेगरीज में इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि मैं जो ये कुछ पुराने स्केचबुक्स हैं इसमें ऐसा रहता था, इसमें लिख सब कुछ ही रहता था, क्लास के नोट्स हैं, रैंडम स्केचेस भी हैं, तो सब कुछ मिक्स होने पे फिर वापस चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है, लाइक क्लास के भी नोट्स हैं और फिर ये रैंडम इलस्ट्रेशन ये स्केचेस वगैरह भी है, तो इतना मिक्सअप हो रहा था, तो फिर इसीलिए फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को डिवाइड करके रखते हैं, तो ये पूरा बहुत ही मिक्स्ड वाला है, इसमें भी ऐसा है बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड अप हैं। ये स्टार्टिंग में थोड़ा महंगा महंगा स्केचबुक खरीदा था पहली बार, ये मॉलेस्काइन का, तो मैं सोचा इस पे सिर्फ अच्छे अच्छे स्केचेस बनाऊंगा, बट फिर वो वाला नोशन धीरे धीरे हटता गया, फिर थोड़ा और ऑर्गेनिक हो गया इस पे काम करते करते, थोड़ा प्रिटेंशन भी आता है। हाँ ज़्यादा अच्छा तो हमेशा हाँ फिर उस पे लाइक नई चीज़ें मिलने का वो बंद हो जाता है, लिमिटेशन आ जाता है, फिर धीरे धीरे मैं ओपन टू वो हो गया। हाँ ये एक और फिल्म पे काम कर रहा था, उस पर
लाइक उसका जो डायरेक्टर था उसने बोला था कि एनिमल्स वगैरह भी डिज़ाइन करने होंगे, तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया डिज़ाइन तब पता चला कि एनिमल्स मैंने बहुत कम ड्रॉ कर रखे हैं, तो ये उसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़े। तो इसमें सब कुछ ही मिक्स है, मेरे आइडियाज़ भी मिक्सड हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मिक्स किया हुआ है, ऐसे कुछ भी रैंडमली कुछ भी चल रहा है, तो ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने पूरा कैटेगरी में डिवाइड कर लिया और वो काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है मुझे। हाँ ये पुराना स्केच काफ़ी ऐसे मिक्स्ड अप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, बट उसको फिर रेफर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं अभी ज़्यादा प्रेफर नया वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये लैरी डेविड के बहुत सारे इसमें स्केचेस होंगे। अब मोस्टली अभी मैं पेंसिल से ज़्यादा पेन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उस पर अभी मैं नोटिस किया, मैं पेंसिल से भी बनाता हूँ तो भी इरेजर तो यूज़ करते ही हूँ, भले गलत भी बन जाए तो भी उसको खाली छोड़ के जो शिफ्ट टू न्यू ड्राइंग, तो सोचा उससे अच्छा पेन से ही बनाऊँ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा बनाने में। ये अपने NID के स्केचेस है थोड़े, स्टूडियो के मेस का, ये अजीवर और थोड़े स्टूडियो के स्केचेस हैं। ये थोड़े स्टोरी बोर्ड थंबनेल्स, हाँ फिर ये सब कुछ मिक्सअप है, नोट्स। हाँ ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। हाँ तो ये पुराने स्केच में इससे थोड़ा नया उसमें शिफ्ट होना चाहता था, इसलिए कैटेगरीज बना दी। ये स्केच वो कैसा है, इसमें मैं थोड़ा लाइक जब भी थोड़ा टाइम लेके स्केचिंग करने का मन हुआ कि चलो मतलब रफ ड्राइंग्स नहीं बनाना है, थोड़ा आराम से बैठ के टाइम लेके कुछ बनाना है, तो ये उसके लिए रखा है। हाँ लाइक जो भी क्लास में चीज़ें सीखी हैं और इधर उधर से जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको इसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करके बनाना। ये सारे रेफरेंसेस कुछ कुछ रेफरेंस पिंटरेस्ट से लेता हूँ, कुछ कुछ एक वेबसाइट है लाइंस ऑफ एक्शन, फिर बॉडीज इन मोशन, तो वहाँ से ये सब रेफरेंस लेके। मेरे को क्रॉस हैचिंग बहुत ही पसंद है उसमें, तो ये स्केच बुक बेसिकली थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ टाइप का है, उसमें जो भी अच्छा बनाने का मन करे वो बनाओ और ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने का, सिर्फ लर्निंग्स वगैरह इसमें अप्लाई करो, ये भी यूट्यूब वीडियोस देख के जो भी सीखते हैं वही सब है इसमें, और आगे का ये नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू होगा।